तो फ्रेंड देखिए, दलिया पुलाव, दलिया खिचड़ी या वेज दलिया, ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा खिली खिली बनी है। आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी रेसिपी है। ये हेल्दी किस तरह से है तो आगे मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको। तो जर फ्रेंड, आप लाला ही रेसिपी आवड़त असेल, आपको पसंद आती हो तो आप इसे लाइक करें, मैक्सिमम फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में शेयर करें। और जो व्यूवर्स या जो फ्रेंड पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे क्या होगा, आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन या अपडेट बोलेंगे या सूचना बोलेंगे वो आपको मिल पाएगी, जिससे आप सबसे पहले मेरा कुकिंग वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड हम आगे रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। क्योंकि ये हेल्दी इसलिए कही है क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल्स यूज़ करने वाले हैं और साथ में हमने जो इंग्रेडिएंट लिए हैं वो भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। और इस तरह से जो रेसिपी बनाएंगे ना, इसमें रिच फाइबर हम लेने वाले हैं, जिसकी वजह से पेट जल्दी भरता है और कैलोरीज कम होने वाली है इसमें। तो जिससे इसलिए इसे मैंने हेल्दी रेसिपी कहा है। तो हेल्दी रेसिपी होने की वजह से इसको बनाना भी हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी और तेल कट करने के लिए अवॉइड किया हुआ है। तो फ्रेंड, ये रेसिपी हम शुरू करने के पहले मैं आपको इंदौरी किरण किचन में बहुत बहुत स्वागत करूँगी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में गेहूं का दलिया, इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये दलिया बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, आप सभी को मालूम है। और हमको कोई सादा सिंपल और अच्छी हेल्दी रेसिपी लो, लेकिन जो थोड़ी सी चटक मटक हो, जो मुँह का स्वाद बढ़ा दे, ऐसी भी रेसिपी खानी हो तो आप निश्चित ही इस दलिया की रेसिपी को यूज़ में ला सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको मालूम है कि दलिया ये गेहूं से बनाते हैं और इसमें रिच फाइबर होता है और इसी वजह से हमारा पेट जल्दी से भरता है। तो इस रेसिपी को क्या कर सकते हैं, हम ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं, साथ ही इसे डिनर और लंच के लिए में भी काम में लाया जा सकता है। साथ ही बच्चों को भी टिफ़िन में दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दी जा सकती है और ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। बच्चों से लेके बुज़ुर्ग लोगों तक सभी इसे खा सकते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वूमन या फिर जो दूध पिलाने वाली माताएँ होती है, इस रेसिपी का नाम बताऊंगी मैं तो, इस रेसिपी को दलिया की खिचड़ी, दलिया पुलाव या वेज दलिया रेसिपी, इस तरह से कई नामों से इसे पुकार सकते हैं। रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं पहले इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है कि मैंने एक फुल बॉल दलिया लिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ऊपर तक भरा हुआ है। साथ ही हमको लगने वाली है हरी मिर्च ली है, एक हरी मिर्च किस तरह से बड़े बड़े टुकड़े कर लिए है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया लगने वाला है, तेल लगने वाला है, नमक लगने वाला है, पानी लगने वाला है और यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का दरदरा सा मसाला किया हुआ है, जिसमें मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और साथ में 2 हरी मिर्च ली है। तो इस तरह ने एक गाजर ली है जिसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं और बड़ा सा गोभी का टुकड़ा लिया है, जिसे इस तरह से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। एक आलू लिया है, इसे भी इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। कॉर्न लिया है, एक भुट्टे के दाने निकाल लिए हैं मैंने। तो कि बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप हमारे ब्रेन के लिए भी, ब्रेन के सेल के लिए भी और बाकी बॉडी के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो आप इस रेसिपी में भुट्टे का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। और भुट्टे की बाकी रेसिपी भी आप जब भुट्टे के सीज़न हो तो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत से मैंने एक टोमेटो लिया हुआ है जिसे काट लिया है, यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है इसे भी काट लिया है और साथ में मैंने गरम मसाला लिया हुआ कुछ, तो 2 मैंने इलायची ली है, दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है, 4 से 5 मैंने काली मिर्च ली है और 2-3 लौंगे ली हैं और साथ में मैं यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, तो ये मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया हुआ है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने हींग लिया हुआ है, जीरा लिया हुआ है, 1 टीस्पून के करीब जीरा लिया है और उतना ही मैंने राई ली हुई है बारीक यहाँ पर, और यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर लिया है थोड़ा फ्लेवर के लिए, खाने में टेस्टी लगे।
स्वाद आए इसलिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ और साथ ही 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर गरम मसाले ले रही हूँ। साथ ही मैंने घी लिया हुआ है। घी संदो उतना हम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ पर पैन ले रखा है, मैं गैस ऑन करके दलिया को भून लूँगी। गैस ऑन कर दिया है और दलिया भूनने के लिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। की जगह आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं या सिंपल भी, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो बिना तेल के भी इसे भुनकर बना सकते हैं। पर दलिया डाल दूँगी, भुनने की खुशबू आने तक हमें भून लेना है। 3 मिनट के करीब लगेंगे इसे, तो मैं भून लेती हूँ और फिर बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड ये दलिया भुना जा चुका है, अच्छा खिला खिला सा लग रहा है। आप सोच रहे हैं कि दलिया भुनना ज़रूरी होता है क्या, तो मैं बता देती हूँ कि हाँ, दलिया भुनने से क्या होता है, इसमें दानेदार पना होता है, ये चिपकी चिपकी नहीं लगती है और खिली खिली सी होती है। तो इस तरह से ये भुनी जा चुकी है, इसे मैं निकाल लूँगी। तो फ्रेंड आप देख पा रहे हैं दलिया कितना सा फूल गया है और कितना अच्छे से खिल गया है ये। तो ये भुनने के बाद में इस तरह से दानेदार और अच्छा हो जाता है। अभी मैंने यहाँ पर फिर से पैन रख दिया है और पैन में मुझे तेल डाल देना है गैस ऑन करके। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑन कर दिया है, होने के बाद में मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है। अभी क्या करना है फ्रेंड, हमने जो वेजिटेबल्स ली है ना, जैसे ये गोभी और गाजर ली है, इसे हम फ्राई कर लेंगे। और साथ में जो आलू लिया है उस आलू को भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इस तरह से बनाते हैं ना फ्रेंड, जब पुलाव या मसाले भात, मसाले वाला चावल, तो उससे क्या होता है, ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होता है और ओवर कुक नहीं होने की वजह से खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गरम मसाले डालने के बाद में इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। यानी हमको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे हाफ़ कुक करेंगे और हाफ कुक हम बाद में करने वाले हैं। तो फ्रेंड ये सब्ज़ी हाफ फ्राई हो गई है और इसे मैं निकाल लूँगी। अभी हमने यहाँ पर कॉर्न को नहीं ऐड किया है, क्योंकि कॉर्न वैसे भी अमेरिकन कॉर्न लिया है स्वीट वाला, वो बहुत ज़्यादा नरम होता है तो बहुत जल्दी पक जाता है। अभी मैंने तेल थोड़ा कम कर लिया है यहाँ पर। मुझे क्या करना है फ्रेंड, अभी प्याज लिया है ना, उसे मैं ऐड कर दूँगी। ऐड कर दिए, अब राई और जीरा है उसे भी डाल दूँगी यहाँ पर, और साथ में अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का दरदरा कुटा हुआ मसाला या पेस्ट है उसे भी ऐड कर दिया है और इसे मिक्स कर देना है। इसको भूनते भूनते भी जीरा भुना जाएगा और क्रैकल होने लगेगा। तो सभी मसालों, तो फ्रेंड जो हरी मिर्च के टुकड़े थे ना, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए थे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो रहा है और प्याज भी अच्छे से भुना जा चुका है। अब मैंने जो हींग और हल्दी पाउडर लिया था उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी और साथ ही गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर को भी डाल दूँगी। ये लो टू मीडियम फ्लेम पर करना है ये प्रोसेस। बुआ रही, यहाँ पर मैं टोमेटो ऐड कर दूँगी, इसे मिक्स कर देंगे। अभी फ्रेंड दलिया सब लोगों को अलग अलग पसंद आता है, किसी को गीला सा पतला सा पसंद आता है, किसी को खिला खिला पसंद आता है। तो आप में आपको मैं बताऊंगी कि पानी को किस तरह से डालना है जिससे कि आप उस तरह का दलिया बना सके। खिला खिला दलिया बनाना हो ना, तो हमने ये जो बॉल लिया पर एक दूसरा बॉल ले लिया है, तो मुझे यहाँ पर पानी डाल लेना है। तो पानी में यहाँ 1 कर दूंगी, कर दिया है, स्पीड बढ़ा दी है मैंने, और दूसरा बॉल ले लिया है, बॉल लिया है
और इसे उबलने देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, देखिए कितना सुंदर कलर दिख रहा है। और इसे ढक्कन ढककर हम 85% तक इसे कुक कर लेंगे या 90% तक। तो फ्रेंड देखिए, मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी और कॉर्न को ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। दिखने में देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, कलरफुल दिख रहा है। अभी मुझे क्या करना है, इसे ढककर रख देना है। तो जिससे क्या है, मुझे पुलाव टाइप का दलिया पसंद होता है और मेरे घर पे भी इसी तरीका करते हैं पसंद। तो इसे मैं ढक दूंगी और 2 से 3 मिनट में ये बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको पतला पसंद हो ना, तो आप क्या करें, इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा डालें। जैसे अभी हमारा 2 आलू और गोभी दोनों ही अच्छे से पक चुके हैं, तो अभी हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्विंग बाउल में ले लेंगे। फ्रेंड अपन बघू शकता किती मस्त झालेला आहे दलिया खिचडी किंवा दलिया पुलाव किंवा थुली, वेज थुली। मी या सर्विंग बॉल मध्ये काढून घेणार आहे। ये मैंने 4 से 5 लोगों के लिए बनाया है ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड देखिए, ये वेज थुली या वेज दलिया या फिर दलिया पुलाव या दलिया खिचड़ी, ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। दिखने में जिस तरह से सुंदर है ना फ्रेंड, खाने में भी इसी तरह से है। और ये एकदम मैंने पुलाव की तरह से खिली खिली बनाई हुई है, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे कढ़ी के साथ में खा सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है कढ़ी के साथ में, और वो भी पकोड़े वाली हो तो और भी ज़्यादा पसंद आती है ये पुलाव खाने में। तो फ्रेंड ये रेसिपी आपको निश्चित ही पसंद आएगी। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मैक्सिमम फ्रेंड और रिलेटिव के साथ में शेयर करें। और जो व्यूवर जो फ्रेंड पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा उनको सबसे पहले मेरे वीडियो देखने को मिलेंगे। और तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, लवकरच भेटूया।